महाराष्ट्र में बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है, ये कहना है कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश का। जयराम रमेश का ये बयान इसलिए सामने आया है क्योंकि महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक फेरबदल हुआ है। अजीत पवार एनसीपी से बगावत करके 9 विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं और उन्होंने उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। ऐसा पहली बार नहीं है कि महाराष्ट्र में जनता के वोट्स का मजाक बनाया गया हो। जब से 2019 के विधानसभा चुनाव हुए हैं तभी से बगावत और इस्तीफे का दौर जारी है। आज एनसी रिकॉर्ड्स के इस वीडियो में यही जानेंगे कि महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट में कब क्या हुआ। 11 महीने से जारी किसान आंदोलन की आखिरकार बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता और एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने 2 जुलाई को 9 अन्य एनसीपी नेताओं के साथ महाराष्ट्र कैबिनेट में शपथ ले ली है। अजीत को एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया है। शरद पवार ने इससे खफा होकर 5 जुलाई को एनसीपी नेताओं की मीटिंग बुलाई है और कहा है कि वो बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन लेंगे। ये वही अजीत पवार हैं जिन पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। अजीत पवार समेत बाकी 9 विधायकों पर भी ईडी के तमाम केस चल रहे हैं और ये पहली बार नहीं है जब अजीत पवार ने ऐसी बगावत की हो। 2019 में 24 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे मगर एक महीने से ज़्यादा समय तक राज्य को कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला था। राज्य में 12 नवंबर से राष्ट्रपति शासन लागू था। 24 नवंबर की सुबह बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली लेकिन जल्द ही अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया और जब फ्लोर टेस्ट की बात आई तो फडणवीस ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन से 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे की सरकार बनी थी और अजीत पवार अब इस सरकार के साथ उप मुख्यमंत्री बन गए थे। कट टू 21 जून 2022। इस दिन शिवसेना के एकनाथ शिंदे और कई विधायक सूरत के एक होटल चले गए। 23 जून को एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनके पास 35 विधायकों का समर्थन है। 24 जून को बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस भेजा। इस नोटिस में उन्हें अयोग्य करार देने और जवाब देने को कहा गया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। 28 जून को बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने फ्लोर टेस्ट की मांग की। राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी ने उद्धव सरकार से बहुमत साबित करने को कहा। 29 जून को ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगाई। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया और उनकी सरकार गिर गई। 30 जून को एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। इस पूरे खेल के रेफरी देवेंद्र फडणवीस ने शुरू में ही कहा था कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे मगर डिप्टी सीएम फडणवीस ही बने। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जनता द्वारा चुनी गई एक और सरकार को गिरा दिया। ऐसे ही कुछ मध्य प्रदेश में हुआ था। इसी की कोशिश एक से ज़्यादा बार राजस्थान में भी की गई थी। इस बीच उद्धव ठाकरे से सिर्फ मुख्यमंत्री का पद ही नहीं उनकी पार्टी भी छीन ली गई। 4 जुलाई को एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बहुमत हासिल किया। 288 सदस्यों वाली विधानसभा में सरकार के विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 164 विधायकों ने वोट किया, विरोध में मात्र 99 वोट पड़े। अब शिवसेना 2 हिस्सों में बट चुकी थी। एक शिवसेना थी उद्धव ठाकरे की जिसे उनके पिता बाला साहब ठाकरे ने बनाया था, दूसरी एकनाथ शिंदे की शिवसेना जिनके पास ज़्यादातर विधायकों का समर्थन था। सवाल उठा कि इनमें से असली शिवसेना कौन सी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को चुनाव आयोग से इस पर फैसला लेने के लिए कहा। 8 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे से शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान छीन लिया और कहा कि दोनों में से कोई भी गुट इस निशान का इस्तेमाल नहीं करेगा। 30 जनवरी को शिवसेना उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने पार्टी संगठन और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा जताते हुए फाइनल डॉक्यूमेंट्स पेश किए। दोनों गुटों ने पार्टी के चिन्ह के रूप में धनुष और तीर और पार्टी संगठन पर अपना दावा जताते हुए चुनाव आयोग के सामने रिटर्न में अपनी बात रखी। 17 फरवरी को चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के ग्रुप को असली शिवसेना बता दिया और तीर कमान का चुनाव चिन्ह भी उन्हीं को दे दिया। 20 फरवरी को उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला लिया और कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने उस वक्त इस्तीफा नहीं दिया होता तो वो उनकी सरकार बहाल कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र सीएम बने रहेंगे। 30 जून 2022 को नई सरकार बनने के बाद 1 अगस्त को ही शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। 100 दिन जेल में रहने के बाद अदालत ने उन्हें रिहा किया और कहा था कि ईडी ने उन्हें बिना वजह जेल में रखा था। महाराष्ट्र में बीजेपी के इस नए खेल पर कई दलों ने अपने कमेंट्स दिए हैं। इसी बीच विपक्षी एकता की जो अगली मीटिंग होने वाली थी वो मीटिंग भी पोस्टपोन हो गई। विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी हर कीमत पर सरकार में बने रहना चाहती है। इस सब को देखते हुए एक बार फिर से वही सवाल उठता है कि क्या आपकी यानी जनता की चुनी हुई सरकार को इतनी आसानी से गिराया जा सकता है? क्या ये सब न्यू नॉर्मल बन चुका है? आप देख रहे थे NC Decodes, मेरा नाम है मोहित। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए newsclick.in को, हमारा सब्सक्रिप्शन लिंक बायो में है।